देश गिरवी होने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा दो रोटी कम खा लेंगे। पप्पू क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं उसमें दिमाग नहीं है। पप्पू वो नहीं, पप्पू नरेंद्र मोदी है। अब उसके बारे में बोलना हिंदुस्तान में कोई नहीं बोल सकता। इसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। देखिए मुश्किलें इनके लिए पैदा नहीं होंगी, मोदी जी के लिए हो सकती हैं। तो जो मोदी सरकार है वो काफी बेस्ट है। जोड़ो यात्रा, सब चोर रहे हैं ये। आ जाता है आपके पास साल 2014 में एक इतिहास रचा गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर हुकूमत करने को तैयार हो गई। साल 2019 में एक बार फिर से चुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने फिर से एक बार अपना एक आप कहिए कि सत्ता वापस से हासिल कर ली। साल 2014, साल 2019 और अब साल 2024 का इंतजार है, जहां वही सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से देश की हुकूमत को वापस ला पाएगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कितना काम कर पाएगा, क्या नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जनता प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो सवाल करेंगे और जवाब जनता से पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं झांसी जिले उत्तर प्रदेश से। क्या बात है, उत्तर प्रदेश। साल 2024 में उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश के जनता ये चाहती है कि विकास की राह में नरेंद्र मोदी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए और हम सभी उनके साथ रहेंगे। आपने कहा कि आप व्यापारी हैं, ऐसे में सवाल सबसे ज्यादा उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रोजगार की बहुत कमी हुई है, व्यवसाय की बड़ी कमी हुई है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? इसके लिए मेरा तो ये जवाब है कि हम व्यापारी हैं, हम अपना दो रोटी कम खा लेंगे या कर सरकार को देंगे। देश गिरवी होने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा दो रोटी कम खा लेंगे और हम इसमें पूर्ण संतुष्ट हैं। व्यापारी हैं, थोड़ा नुकसान तो हुआ है। देखिए ये तो आर्थिक मंदी पूरे देश में, क्या पूरे विदेशों में, सब तरह पूरे विश्व में हुई है। तो कोरोना भी था, आपका रिसेशन भी था, आपका नोटबंदी भी था, हम सब बातें मानते हैं। रोजगार के लिए हम अपने देश को गिरवी तो नहीं रख सकते। आज हम थोड़ा सा जरूर इस समय परेशानी में, लेकिन आने वाले समय में हम उन्नत देश के रूप में समाज के सामने खड़े होंगे। केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री की रेस में, जनता कह रही है कि केजरीवाल को प्रधान। एक नंबर चोर है। कैसे चोर है? अरे वाह, उसने पूरी दिल्ली लूट के खा ली। साल 2024 में कौन बनेगा प्रधान? कौन है? अरे जो बनता है वही बनेगा। कौन बनेंगे? मोदी। मोदी बनेंगे? अरे बिल्कुल। मोदी क्यों बनेंगे? मोदी में ऐसा क्या लगा? अरे काम किया अगले ने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बने। राहुल गांधी तो उसकी तो पालनी बधा रही, वो तो 10 साल पहले बन जाता। कह रहे भारत जोड़ो यात्रा पे निकला हूँ। अरे तो उससे क्या होता है, अपनी पार्टी तो जोड़ ले। नीतीश कुमार भी है। नीतीश तो एकदम हाथों रहा कद, इधर पलटू राम। नीतीश एक नंबर पलटू राम है। अरे मैं सत्ता ही बता रहा हूँ। राहुल गांधी से क्यों इतना गुस्सा में? क्या चीज? हाँ जी बोलो। राहुल गांधी से आप इतना काहे गुस्साए हुए पूछ? अरे उसने कोई काम किया है? अरे मौका तो दीजिए। अरे उसे पप्पू क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं उसमें दिमाग नहीं है। उसमें दिमाग नहीं है। वो कह रहे महंगाई और रोजगार जो है, हम कहने से क्या है, जिसको बोलना नहीं आता है। लेकिन वो युवा नेता है, वो कह रहे हैं कि मैं कहां का युवा है, वो बुढ़ा हो गया। आपने उसकी फोटो नहीं देखी? वो सब वो हमारे से भी ज्यादा बुढ़ा लग रहा। वो दौड़ लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। अरे ऐसे तो हर अपनी मर्जी से सभी वो बने हैं प्रधानमंत्री। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तो पब्लिक बनाएगी। पब्लिक का क्या मूड है? पब्लिक का मूड यही है जो मैं बता रहा हूँ, मोदी एंड मोदी। लेकिन मोदी को लेकर कह रहे हैं कि विपक्ष जो नेता है वो कह रहे हैं कि मैं उखाड़ फेंकूंगा मोदी सरकार। अरे उनकी पालनी बधाई, वो तो बनने ही नहीं देते। उनकी तो 10 साल पहले पालनी बधाई, नहीं तो वो मोदी को बनने ही नहीं देते। वो कह रहे महंगाई थोड़ी घटाऊंगा मैं, राहुल गांधी कह रहे। अरे उनको ये नहीं दिखाई देता वर्ल्ड में हालात क्या है, वर्ल्ड के हालात क्या है। फिलहाल क्या बेहतर स्थिति में है भारत? क्या चीज, इससे बेहतर क्या होगा? लेकिन कांग्रेस का ये बद से बदतर बना दिया। कांग्रेस तो ये कहेगी कि उन कुछ की पानी बता रही, वो तो चाइना और ये एक है, चाइना और कांग्रेस एक है। अष्टम हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्हीं के बारे में सारे दुनिया सोचती है। वर्ल्ड में उनका नाम इतना ऊपर हो चुका है कि शायद कोई आदमी ये नहीं। मौजूदा प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? मौजूदा प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की बात, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। मैं आपको लास्ट में उन्हीं की बदौलत ही ये सारी दुनिया चल रही है।
हमारा हिंदुस्तान में सब उनका नाम ही चलता है और वो देश के काम के लिए बहुत आगे जा चुके। अब पार्टियाबाजियाँ कुछ भी कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ कर नहीं सकते, उनका नाम ही है सिर्फ, ये करेंगे वो करेंगे, देश के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, जो करना चाहते हैं वो उन्होंने किया है। नमस्कार, कहाँ से आए आप लोग? मैं बठिंडा प्रसाद, पंजाब से आए हूँ। पंजाब से आए हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की फिलहाल सरकार है और वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि कैसा चल रहा है कार्यकाल? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है। लेकिन मैं याद करूंगी सिद्धू मूसेवाला जी को भी याद कर लूंगी, क्योंकि उनके पिताजी ने कल बोला था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से, तो मैं देश ही छोड़ दूंगा। इस पर क्या कहेंगे? सिद्धू मूसेवाले के साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, मैं ये मानता हूँ, पर ये आम आदमी पार्टी, इसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। मैं आपको याद दिलाती हूँ, एक दिन पहले ही मान सरकार ने, जो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इन बड़े लोगों का, जो वीवीआईपी लोग थे, उनकी सुरक्षा घटा दी थी। और अगले ही दिन, और ये प्रूव भी हुआ है कि अगले ही दिन जो लोग थे, जो उनके कातिल थे, उन लोगों ने उन पर हमला बोला। तो कहीं ना कहीं लोगों का सरकार पर सवाल है कि आपने सुरक्षा क्यों घटाई? उन्होंने सुरक्षा घटाई, पर ये काम उन गैंगस्टरों का है जो पिछली सरकारों ने पाले हुए थे। ये सबसे बड़ी किनकी सरकार की बात कर रहे हैं? जैसे प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, अकाली सरकार थी और कांग्रेस सरकार थी, इन लोगों ने गैंगस्टरों को पाला हुआ था, ये तो उनकी वजह से हुआ ये सब। ये मेन मुद्दा तो ये उठता ना, जो गैंगस्टर ये आज के नहीं है, पुराने गैंगस्टर पाले हुए हैं। साल 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के रूप में आप चुनाव करते हैं? अच्छा, मैं केजरीवाल जी को देखना चाहता हूँ। फिलहाल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खुश हैं आप? नहीं मैम, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महंगाई बहुत बढ़ गई है, आम आदमी बहुत तंग है। पहले सिलेंडर 500 का था, अब 1100 का हो गया है, हर एक चीज महंगी हो गई है, आम आदमी क्या खाएगा ये? अगर ग्लोबली देखेंगी तो जो मोदी सरकार है वो काफ़ी बेस्ट है, बेस्ट नहीं सुपर सुपीरियर है केजरीवाल के कंपैरिजन में। केजरीवाल सर जनता को प्रमोट करते हैं, मतलब हैप्पीनेस के लिए, और थोड़ी बहुत लालच दे देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, जो मोदी कर सकते हैं वो केजरीवाल कभी सोच भी नहीं सकते हैं। 700 रुपए का सिलेंडर बताया उन्होंने, पहले फ्री में दिया, फिर 700 करे, फिर 1100 कर दी, इतनी दुर्गति है। जो झुग्गी वाले, जैसे जियो लॉन्च हुआ ना, फ्री आदत डाल दी सब में, सबने करा लिया, फिर बाद में चार्ज कर दिए उसके भी ऐसे ही आदत डाली फ्री की, चार्ज कर दिए, झुग्गी वाले कहाँ चलेंगे। जो कमाई पूरे महीना में 9000 रहे हैं, 1100 सिलेंडर में कर दे, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे ठीक से। उत्तर प्रदेश की बात कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ शिक्षा जो एजुकेशन है वो तो सही है, यहाँ का दिल्ली का कर तो दिया मॉडल बढ़िया, गवर्नमेंट स्कूल हैं इतने बेहतरीन कर दिए, CBSE वाले हाथ पकड़ के रो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समझ लो ये चीज़ बिल्कुल बेकार है कहीं, मैं वहीं से हूँ, बुलंदशहर से हूँ, जाके देख लो कोई भी हालत ख़राब है कतई, बिल्कुल बेकार है। और भाई दिल्ली के जितने एग्ज़ाम होंगे ज़्यादातर जेन्युइन होंगे, वहाँ धांधली होनी होनी है। जैसे जैसे सर ने गैस की बात की, LPG की बात की, सर पहले LPG के लिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के, उनके जो हस्बैंड है बाहर कमाते हैं, औरतों को धक्का खाना पड़ता था, रात में 12 बजे से लाइन लगती थी, दो दिन लाइन लगती थी। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे सर्विस मिल रही है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो सर एक्सपेंसिव क्यों हुई है? फ्री में सिलेंडर दिया गया है सर, बैलेंस करने के लिए आपको एक्सपेंसिव देना पड़ रहा है, वो भी कुछ टाइम बाद ये इसका चीपर हो जाएगा। अगर देश के जो युवा है उसके हाथ में कलम पकड़ा दी जाएगी ना, तो वो देश को प्रोग्रेस पे ले जाएगा। एक युवा जो होता है वो बैकबोन होता है देश के, लेकिन आज अनभक्ति में जो झूल रहा है ना युवा, वो हिंदू मुसलमान में खेल रहा है, और हिंदू मुसलमान से जब हटेगा ना तब देश ऊपर जाएगा। वरना अगर मोदी के हाथ में रहा या किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में रहा जो कास्टिज्म में उलझा रहा, तो वो कभी देश कभी प्रोग्रेस नहीं रह पाएगा। जैसे लाल किला बिक गया, ऐसे सारी इमारतें बिक जाएंगी और इंडिया बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत आपको लगता है कि साल 2024 में कोई प्रभाव पड़ेगा? कोशिश करना उसका काम है, कोशिश वो कर रहा है, बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब लोगों ने उसको कहा था कि ये वो पप्पू है, जब वो आज वो आया ना जनता के सामने, तो उसने दिखा दिया पप्पू, वो नहीं, पप्पू नरेंद्र मोदी है। मोदी जी का जो कार्यकाल है उससे बहुत अच्छा बेहतर है केजरीवाल जी का, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में आप आज जहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं, आज से 5 साल पहले इसको या 7 साल पहले जब केजरीवाल सरकार नहीं थी, जब भी आप उठा के देख लेते इसकी क्या हालत थी, आज देख लीजिए आप बिल्कुल सेफ खड़े हुए हैं, आप यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। तो कितने अच्छे रोड हो गए हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, ये तो आप खुद बेहतर जानते हैं हमसे। बाकी आप बहुत जनता खड़ी किसी से भी पूछ सकते हैं, केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, और आने वाले देखिए चुनाव है MCD का भी, उसमें भी देखना
अच्छा रिजल्ट केजरीवाल जी का ही निकलेगा, बहुत अच्छा। दिल्ली की जनता केजरीवाल से खुश है? लेकिन खुश नहीं है, बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन साल 2024 में आपको नहीं लगता कि काफी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं? देखिए, मुश्किलें इनके लिए पैदा नहीं होंगी, मोदी जी के लिए हो सकती हैं। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, भारत कहाँ जोड़ेगा, उसने बिखेरा जोड़ेगा कहाँ, उसने तो बिखेर के रख दिया। आपका चुनाव कौन है? किसका? नरेंद्र मोदी जी है सर। एक बार सर जवाब सुनिए, मैं नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी है वही रहेंगे। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी या राहुल? राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी या राहुल? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र कि साल 2024 में मोदी जी आएंगे? कांग्रेस जीरो हो गई है इस समय। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, जोड़ो यात्रा सब चोर हैं ये, गठबंधन की सरकार कभी बनी है? 12 पार्टियां एक साथ बन के बनाएंगी, वो सरकार चला पाएगी? किसी से पूछ लेना। कह रहे कि सब एक साथ हो जाए, बोलने दो, उनका क्या है, वो तो तरस रहे हैं आपकी, हमने जो है अब इतनी गलती है कि क्यों की है।